दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को इवनिंग वॉक करने वाले महानगर के संभ्रांत नागरिकों से विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर सतीश चंद्र पांडे ने अपील करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स सुबह 8 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर को पूरी तरह से खाली कर दें। उन्होंने बताया कि इस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा चल रही है, आने वाले समय में क्लास भी संचालित हो जाएगी। इसको लेकर सुबह 8 बजे के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बेवजह घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के चीफ डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे ने कहा, जो बाहरी लोग आकर के जो है हमारे क्रीड़ा संकुल में दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, उन पर प्रतिबंध, उनको आप मॉर्निंग वॉकर्स जो हमारे शहर के सम्मानित नागरिक आते हैं वो इस समय हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उनके लिए यह निर्देश हुआ है कि वे 8 बजे तक जो है कैंपस खाली कर दें और जो शाम को मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स आते हैं उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो शाम को नहीं टहलेंगे। सुबह जो भी मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं उनके लिए क्या लगाए जाएंगे, उनको इस बात के लिए नसीहत दी जाए कि नहीं? मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो है वो लोग टहल करके अपना 8 बजे तक हमारे विश्वविद्यालय के परिसर को खाली कर दें, ताकि जो है विश्वविद्यालय में जो चहलकदमियाँ बढ़ गई हैं उस पर जो है नियंत्रण रखा जा सके। परीक्षाएं चल रही हैं, लड़के परीक्षा देने जा रहे हैं, लोग साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसलिए जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि 8 बजे के बाद लोग न टहलें, कि शाम को जो शहर के बाहरी लोग आकर के टहलते हैं जो है वो ना आए हमारे कैंपस में। जो है तो देखा जाता है बाइक से भी कुछ ज़्यादातर बच्चे आते हैं और शाम को मतलब यही जमावड़ा लगा रहते हैं, उनके लिए क्या? नहीं, मैं तो आज सुबह 8 बजे मेन गेट पर था और तब से जो है किसी भी बाहरी व्यक्ति को बाइक से जाने नहीं दिया गया और हमारे विश्वविद्यालय के टीचर कर्मचारी जो हैं उन्हीं की बाइक जाएगी और बाकी को जो है रोका जाएगा। हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो विश्वविद्यालय के स्टैंड में अपना वाहन खड़ा करके वो विभागों को जाएंगे।